माय न्यू ब्लॉग। आज हम जाने वाले हैं कोटा, तो अभी हम चले गए कोटा। अभी हम पहुंच चुके हैं पट्टा जंक्शन पे है, तो आप यहां का रात का व्यू देख लीजिए, कितना प्यारा व्यू है। अभी हम लोग का ट्रेन आने में लेट है, तो चले चलते हैं स्टेशन के अंदर और दिखाते हैं वहाँ का व्यू। तो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं पटना स्टेशन पर, यही है वो ट्रेन जिससे हम लोग अभी कोटा जाएंगे। आप देख सकते हैं हम सफर का बोगी लगा हुआ है, तो चलिए चलते हैं कोटा और दिखाएंगे वहाँ क्या है वहाँ पे। तो फाइनली हमारी ट्रेन पटना जंक्शन पे आ चुकी है, यही है वो ट्रेन पटना अहमदाबाद सुपरफास्ट क्लोन स्पेशल। तो इसी ट्रेन से हम लोग आज जाएंगे कोटा। B8 कोच में ही हम लोग का सीट है, जो कि थ्री टायर एसी है, तो इसमें हम सफ़र का बोगी भी जोड़ा गया है। तो हम लोग चलेंगे, अभी यहाँ से निकलेंगे, थोड़ी देर में ट्रेन खुलने वाली है, तो हम लोग चलिए चलते हैं और दिखाते चलेंगे आपको पूरा रास्ता, क्या क्या कौन कौन सा स्टेशन आता है। ताजमहल भी दिखाई देगा आगे में, जो कि अभी तो साफ साफ दिखाई नहीं देगा, बट धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो चलिए चलते हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन पटना जंक्शन से खुल चुकी है, यही है वो बर्थ हम लोग का। तो अभी हम लोग अब खाना पीना खा चुके हैं, तो यहाँ से अभी थोड़ी देर आराम करेंगे। हे गाइस गुड मॉर्निंग। तो अभी हम पहुँच चुके हैं प्रयागराज स्टेशन पे, तो आप देख सकते हैं सुबह का 6 बजा है, तो अभी यहाँ पे काफ़ी सन्नाटा है। हे गाइस, तो अभी हम पहुँच चुके हैं कानपुर सेंट्रल स्टेशन पे, तो आप सुबह सुबह का यहाँ का व्यू देख लीजिए, कितना प्यारा व्यू अभी है। अभी हम लोग यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, चाय वाय पियेंगे, कुछ खाएंगे पियेंगे, उसके बाद ट्रेन भी थोड़ी देर रुकेगी यहाँ पे अभी। तो फाइनली हमारी ट्रेन कानपुर सेंट्रल से खुल चुकी है, अब हम पहुंच चुके हैं टुंडला जंक्शन पे। यहाँ पे ट्रेन खड़ी है, हमारी ट्रेन 2 से 3 घंटा लेट हो चुकी है, तो देखिए कब तक पहुंचते हैं हम लोग, अब यहाँ से कब तक पहुंचेंगे हम लोग कोटा। अभी हम लोग टुंडला जंक्शन पे खड़े हैं। तो फाइनली हमारी ट्रेन आधे घंटे के स्टॉपेज के बाद टुंडला जंक्शन से खुल चुकी है, तभी हम लोग टुंडला जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं। ये देखिए अभी सुबह सुबह का व्यू है, तो देखिए कितना प्यारा व्यू अभी है यहाँ पे। तो फाइनली हम लोग अब आगरा पहुंचने वाले हैं, तो अभी हम क्रॉस कर रहे हैं जमुना ब्रिज, ये है जमुना नदी, और यहीं से थोड़े दूर आगे चलेंगे तो हम लोग को वो आगरा फोर्ट दिखाई देगा, आगरा का किला दिखाई देगा। पूरा क्लियर और साफ तो नहीं दिखाई देगा, बट आप जमुना नदी अभी देख लीजिए कितना प्यारा दिखाई दे रहा है, इसमें पानी भी पूरा पानी बह रहा है। अभी थोड़ी देर में आपको ताजमहल दिखाई देगा, जो कि धुंध में छुपा हुआ है, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए दूर वहाँ पे दिखाई दे रहा है ताजमहल, आगरे का किला, ये साफ साफ तो दिखाई नहीं दे रहा है, बट कभी वहाँ पर जाएंगे तो आपको वहाँ का ही ब्लॉग देंगे। तो चलिए चलते हैं अभी, और अभी हम लोगों को कोटा पहुँचना है, ट्रेन ऐसे भी लेट हो चुकी है बहुत। तो अभी ये ट्रेन हम लोग आगरा स्टेशन पर भी रुकेगी, तो अभी चलिए चलते हैं, दिखाते हैं आगरा स्टेशन आपको, थोड़ा सा झलक वहाँ का भी देख लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे आगरे का मशहूर पेठा ही मिल रहा है। तो फाइनली गाइज हम सब पहुँच चुके हैं आगरा स्टेशन पे, तो यहाँ पे थोड़ी देर ट्रेन रुकेगी। सभी जुबा है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा। हे गाइस, तो फाइनली हमारी ट्रेन कोटा जंक्शन पर पहुंच चुकी है, बहुत लेट पहुंची ट्रेन हमारी, तो अभी 8 बज चुका है, 8 बजे रात हो चुका है, तो 4 घंटा के विलंब से हमारी ट्रेन पहुंची है कोटा जंक्शन। तो देख लीजिए यहाँ का व्यू अभी। ये है कोटा जंक्शन का बाहर का व्यू, तो अभी हम चलेंगे यहाँ से आइडल कोचिंग की तरफ। तो आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी हम यहाँ का बाहर का व्यू देख लीजिए। तो नेक्स्ट वीडियो में आप सबको दिखाएंगे वहाँ पर आइडल कोचिंग का व्यू, वहाँ पे विजिट करेंगे तो हम सब वहाँ पर दिखाएँगे आइडल कोचिंग। तो आप सबसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। तो अभी हम यहाँ से निकलेंगे बाहर और देखेंगे ऑटो, तो चलिए चलते हैं फिर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।